चल। क्या बात है? भाभी, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं। देखिए, पहले सब लोग कैरन के अगेंस्ट थे, राइट? उनकी एक लॉजिक थी। आज हमने उन्हें मना तो लिया है, मगर क्या उनकी लॉजिक को गलत साबित किया है? कहते थे ना सब कि इस घर का तौर तरीका है, एक हमारे समाज वाली लड़की होगी तो फिर हैंडल कर पाएगी, जैसे आपने किया है। मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूं, अब मेरी जिद पूरी करने के लिए पूरे घर में टेंशन भर दूं? ये मुझसे नहीं होगा। व्हाट डू यू से? ये वही लड़की है ना? तुम हो क्या विरेन? हाँ, तुमने हम सबका जीना हराम कर दिया था इस शादी के लिए, और अब जब सब कुछ फिक्स हो गया है तो कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अदिति चाहिए? तुम्हें कोई मेंटल बीमारी है क्या? भाभी, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। ये सब करते हुए मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भाभी, अदिति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी, मैं जानता हूँ। नहीं विरेन, वो मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी मुझे ये धोखा याद आएगा जो आज तुमने मुझे दिया है। विरेन, कहाँ हो तुम? विरेन, विरेन, तुम सही कहती थी, ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने देगी अदिति, मगर रहना किसे इस दुनिया में? हाँ, ये क्या है? ओह, ये वो है, अदिति लड़की को अपना कमरा दिखाओ। I see, मुझे भी ये कमरा दिखाया गया था। हाय विरेन। इधर है। अंदर है साहब। अदिति, मैं सब छोड़ के आया, घर, माँ बाप, सब। मुझे उनके और तुम्हारे बीच किसी एक को चुना था, मैंने तुम्हें चुना है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते अदिति, हम दोनों अडल्ट हैं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगा। अदिति, तुम जानती हो कि सच क्या है। अदिति, तुम बस मेरे साथ चलो, और किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। छोड़ो इसे। विरेन, ये है महेश, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने बताया था ना, मैं बालकनी से कूद कर जाती थी, ये वही है। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब क्लियर है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना, हार मत मानो। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो विरेन। बकवास मत करो। देखो, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है,
यहाँ गलती मत करना। मैंने फैसला कर लिया है विरेन। Listen to me, will you? मैंने फैसला कर लिया है विरेन। मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। ले जाओ उसे। Sorry यार महेश, ये सब क्या है? हमारा पागल है यार, कई दिनों से इसने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। No problem, आज के बाद इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो, अभी कम से कम 25 शादियां करवा चुका हूँ। जी। चावला के काम में कभी कोई नहीं, नहीं नहीं हो जाएगा जी। ऐसी कोई बात नहीं। उधर ले जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय। आप तो बड़ी बातें करते थे अपने लड़के के बारे में कि आपको उस पर कितना भरोसा है वगैरह, मगर आज जब मेरी भांजी को देखने लड़के वाले आए हुए हैं तो आपका वही बेटा चोरों की तरह मेरी भांजी के कमरे में घुस आया। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि आपके बेटे के साथ क्या करूं, इसको पुलिस में दे दूं, इसके हाथ पांव तोड़वा दूं। तो मैंने सोचा कि आप तो बड़े सयाने हैं, आप ही से पूछते हैं। नहीं मल्होत्रा साहब, मेरी राय मत लीजिए। आज तो ये साबित हो ही गया है कि मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। वो आपका गुनहगार है, आप जो चाहे कर सकते हैं उसके साथ। और जहां तक मेरा सवाल है, आज से उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या करना है इसका? पापा मेरी नजर से तो इसे दूरी कर दो, वन में पता नहीं क्या कर जाऊंगा। इसे जो सुनना था अदिति ने इसे कह दिया ना, फुल एंड फाइनल। मैं तुमसे, you saw me, और तुम भाग गए? क्यों? Vincy, कहाँ गए थे तुम? It, Vincy. क्या हो गया तुम्हें? हाँ? कल रात से मालूम है क्या हाल है तुम्हारी? You bloody rascal! इतना हिम्मत है तुम्हारे में? Papa, you go inside. You go inside. इसको मैं देखता हूँ ना? Please. ये सामने आया है ना? I swear, अब ये अपने पैर से चल के वापस नहीं जाएगा। Listen to me, Vincy. Viren. Let him go. जान से मार दूंगा इसे। I'll kill the rascal. Nothing is lost, okay? Let go. तुम हो यहाँ, मैं हूँ यहाँ पे। Come inside, Vincy. सब ठीक हो जाएगा। It's all right. मैं डैडी से बात कर लूँगी। वो मान जाएंगे। Believe me. छोड़ दो मुझे। मान जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ विरेन, हाँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कैरन। मुझे मालूम है कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा, पर वो झूठ होगा। मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। I'm sorry. मैंने जो आप लोगों के साथ किया बहुत बुरा किया, पर जो मैंने ऑलरेडी कर दिया वो मैं कैसे बदलूं? तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपको जैसा लगे आप मेरे साथ कर सकते हैं। विंसी, स्टॉप इट। विंसी,
बेटे ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे आप कहाँ? अरे विरेन, आप कहाँ है वो? Do you have an appointment? कहाँ है वो? हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा ही होता है कि हम अपनी पुरानी नॉलेज भूल जाते हैं और वो ही नॉलेज वास्तु फेंग शुई वगैरह के नाम से वापस आ जाती है। स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टेबिलिटी के नाम पे आप लोगों ने काफी आर्किटेक्चरल डिजाइन रिजेक्ट किए हैं। मुश्किल है, ये बिल्डिंग काफी बड़ी है लेकिन ना तो ये रेड फोर्ट से बड़ी है ना पिरामिड से। अगर वो लोग उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी बिल्डिंग्स बनाने में कामयाब हुए थे तो सोचिए इस जमाने में हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते। Well done. Marvelous, kid brother. Absolutely marvelous. मिस्टर विरेन ओबेरॉय, व्हाट विरेन, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? विरेन, इज देयर अ प्रॉब्लम? इज समथिंग रॉन्ग? सब कुछ ठीक है ना? तुम सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे जवाब देने दोगे यार? लिसन, निर्मल ने देख लिया था। आई नो, यू नो, तो फिर जाओ ना यहाँ से। विरेन मेरी बात सुनो। लिसन, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। ओके नो, डोंट टेल मी तुम घर से भाग के आई हो। तुम भाग के यहां मेरे ऑफिस में आई हो ताकि हम दोनों भाग जाएं? तुम पागल हो गए हो क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? तुम मेरे कमरे में घुस आए थे और सबके सामने कहा कि भाग चलते हैं। तो तुमने भी मुझे निकलवा दिया था ना? ठीक है, तुम भी मुझे निकलवा दो। बुलाओ गार्ड को। गार्ड, छेक तो मुझे नहीं, तुम बदला लेना चाहते हो ना विरेन? Don't be stupid, yeah. I am stupid, yeah. God, पता है मुझे। पता है तो क्या कर लोगे? Nobel Prize दूंगा, okay? इस brilliant plan के लिए, wow! I don't believe it. I mean, कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? हाँ? तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए? हाँ, यही सोचा था मैंने। गलत थी ना मैं? Of course गलत थी। अदिति, तुम्हें एक्चुअली लगा कि ये पॉसिबल है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओके? क्यों बात कर रहा मुझसे? भाग जाना कोई तरीका है क्या? यही मैं कहती थी विरेन। हाँ, पर अब सब कुछ बदल गया है, ओके? सब होने के बाद भी मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बता रहा हूँ, तुम अपने घर वापस चले जाओ। विरेन, जिंदगी में कभी भी मुझे सलाह की जरूरत पड़ेगी ना तो तुम आखिरी इंसान हो जिसके पास मैं आऊंगी। क्यों यार, हर वक्त हर आदमी मुझे यही क्यों कहता है? हाँ, मैंने क्या कहा कि तुम घर चले जाओ? गलत कहा? मेरी एंगेजमेंट चल रही है घर में विरेन। एंगेजमेंट? तुम अपनी एंगेजमेंट छोड़ के उन्हें मालूम है कि तुम भाग गई हो? पता नहीं। उन्हें पता नहीं या तुम्हें पता नहीं कि उन्हें पता नहीं? ओके, एनीवेज तुम अब क्या करोगी? पता नहीं। ये क्या बकवास है यार, पता नहीं तो पता करो। वैसे भी तुम्हें क्या यार, मैं जो भी करूं। हे, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो यार? तुम इतना भाव दे क्यों रहे हो यार? जाओ ना अपने डैड के पास, वो लेकर आएंगे कोई ऐसी वाली जिसको भाव नहीं देना पड़ेगा। विरेन, अब मैं अपने डैड की चॉइस पे कैसे भरोसा रखूं? हां, उनकी पहली पसंद तो तुम थी और तुम तो अपनी एंगेजमेंट से भाग के आ गई हो यार। लिसन, मेरे दिल ने जो कहा मैंने एटलीस्ट किया, ओके? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलत किया, ओके? मैं बस अभी यहां से चलकर बाहर जाना और गायब हो जाना बिना कपड़ों के सिवाय, ये
और पैसे भी कम है. It's ridiculous. ऐसा होता है क्या जिंदगी में? तो तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तुम जानती हो क्यों आया हूं? नहीं जानती, बता मुझे. क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ. टैक्सी. I understand कि और कोई रास्ता नहीं रहा मगर भागकर. अच्छा सुनने में कैसा लग रहा है? भाग गए. ओके विरेन, समझ गई. गुड, अच्छा हुआ कि तुम समझ रही हो. प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. चलो कहाँ? अभी सीधे लेना, मैं बाद में बोलता हूँ. वी आर रेडी डैड. ये विरेन नहीं आया अब तक? इतनी जल्दी नहीं आएगा वो, वक्त लगेगा. कुछ हफ्ते, शायद एक आध महीना, फिर दोनों आ जाएंगे. दोनों? कूल डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में. ओके, आराम से बात करके. और ये अच्छी जगह है बात करने के लिए, ये टैक्सी. यहां में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. सारे ऑप्शंस चूज करके, सारे ऑप्शंस. ओके, क्योंकि फ्रैंकली अदिति स्पीकिंग, भाग जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है. ओके, एंड लेट्स बी रियलिस्टिक. एक बात बताओ, अगर मैं मिसेज मल्होत्रा और मिस्टर मल्होत्रा के यहां जाके इस लड़की का हाथ मांगू, ठीक नहीं लगेगा? इतना सब होने के बाद नाक कट जाएगी अपनी ना डैड? ये मगर आज अगर ये दोनों कुछ कर जाए तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा. अब मुझे समझ में आया कि विरेन में किसके गुण आए हैं. क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? आज तो आप मुझे आदमी ही गलत लग रहे हैं. ए, माइंड योर लैंग्वेज. मैं तुम्हारा बाप हूं. मेरे ही नहीं, आप सारी दुनिया के. अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.